ब्यूटीफुल पीपल, इट्स मी शुभम ठाकुर फ्रॉम टीडीए ठाकुर ट्रैवल व्लॉग। तो अभी हम फिर से निकल पड़े हैं एक और मंजिल की तरफ और आज हम जा रहे हैं 42 की लेक। और उससे पहले गाड़ी में पेट्रोल भराना, डैड ने मंगाए हैं गाड़ी के पेपर्स और गाड़ी की चाबी। चलो मैं आपको रास्ते में बताऊँ, बाय। वैसे पहुंच तो चुके हैं, सनसेट बढ़िया हो रहा है, बादल बहुत बढ़िया लग रहे हैं इस वक्त। और अभी हम आ चुके हैं अपनी 42 की लेक। वैसे यहाँ पे सेल वेल तो ठीक है और मैं आज कुछ ज़्यादा खास कपड़ों में नहीं आया, नॉर्मल में ही आया। मैं तुम्हें थोड़े यहाँ की लेक दिखाता हूँ। वैसे यहाँ पे सेल वेल बहुत ज़्यादा है। वैसे पहली जगह जहाँ पे मैं बहुत छोटा होता था, तो मैं यहाँ पर आता था और मेरे पास वो फ़ोटोज़ भी होंगे जब मैं बहुत छोटा था और साथ में मेरे नाना भी थे, मेरे चाची चाची भी थे, मेरी बहन भी थी और मम्मी भी थे। मैं वो वाली फ़ोटोज़ भी इसी वीडियो में डाल दूँगा साथ में। बाय द वे वैसे अब लेक का हाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। पहले इसमें पानी होता था, अब सब खराब, दिख ही रहा होगा तुम्हें सब जगह कूड़ा वगैरह, पानी भी ऐसे सूख चुका है सारे। उतना खास इतना रानी मेरे को लगा बहुत बढ़िया होगा, कुछ रहा नहीं है यहाँ पे, पर चलो कोई नहीं, आए हैं तो एक चक्कर तो ज़रूरी लगाएंगे यहाँ पे। एक्चुअली वैसे ना पहला ब्रिज था जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था, थोड़ा सा डर भी लगता था इसी ब्रिज के लिए। एक कारण तो यहाँ पे नाली थी और दूसरा कारण जब छोटा होता तो डर भी बहुत ज़्यादा लगता था। बाय द वे आज मैं डैड के साथ और डैड के दोस्त के साथ आया हूँ। वैसे चहल पहल तो बहुत है यहाँ पे। वैसे जिन उम्मीदों के साथ आया था वो मेरे बच्चे तो है नहीं है, क्योंकि यहाँ के हाल इतने खास रहे नहीं हैं, बड़े बुरे हाल हैं। पानी देखो तुम, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ की गलती, यहाँ के लोगों के भी आते हैं, सारा गंद फैला देते हैं देखो। और यहाँ की जो इस जगह की देखभाल करते हैं उन्होंने भी इस जगह कुछ ज़्यादा खास ध्यान रखा नहीं है, सारा पानी गंदा हो चुका और ख़राब भी हो चुका। वैसे तो हम चक्कर लगा रहे हैं और कुछ खास यहाँ पर आया नहीं, क्योंकि सब कुछ चौपट हो चुका है। सोचा तो बहुत कुछ था बट कुछ नहीं। रुको मैं डैडी को भी लेता साथ में, डैडी साथ छोटा मोटा क्यों नहीं करते। डैडी आपको कैसा लग रहा है, आप बहुत पहले आए थे हम यहाँ पे, अब तो कुछ बचा नहीं है, आप तो क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, कुछ तो कहो, ओनली फॉर टाइम पास। अंकल का पूरा फोटोशूट हो रहा था। वैसे मैं चाहता था कि शाम के टाइम पर आऊँ बट अब थोड़ी रात रात होने स्टार्ट हो गई है, बट अभी ये जो अंकल है ना इनका फोटो शूट हो रहा है। देखो कितने बुरे हाल हैं यहाँ के, मेरे सच में दिल ही टूट गया यहाँ पे आया जब मैं। पानी बचा नहीं है, जो बचा होता है वो ख़राब हो चुका है, यहाँ के लोगों को कुछ खास फर्क पड़ता है। वैसे जो पार्ट सिर्फ बचा है वो है उस साइड का, मैं उस साइड तुम्हें दिखाता हूँ क्योंकि इस साइड तो कुछ खास बचा ही नहीं है। हम थोड़ा ऊपर आ रहे हैं, हमने शॉर्टकट ले लिया था क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। अब ये जगह बची है, पहले एक्चुअली मैं कह सकता था कि ये जगह घूमने लायक थी बट अब मैं नहीं कह सकता, अब ये सिर्फ सैर वगैरह करने के लिए ही बची है। पहले जगह सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैं आपको फ़ोटो ज़रूर डालूँगा पहले के टाइम के और अब की, थोड़ा ये बिफोर आफ्टर, बट क्या ही कर सकते हैं। अगर मैं इस वक्त कोई कंक्लूजन आपको दूं कि यहाँ पे आना वर्थ इट था, तो मैं बोलूँगा सॉरी इट वाजंट, जगह अब रही नहीं घूमने वाली। इस वक्त रोड ज़्यादा प्यारी लग रही है अपनी लेक से। अब जाने का वक्त आ गया, मैं इतनी दूर से आए थे इतनी आशाओं के साथ, सब आशाएं बर्बाद। चलो मैं इस वीडियो का भी यहीं एंड करता हूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।